इनके लब रंगी मिठावर के जिस वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। अच्छा, ये सवाल इनका है कि नमाज पढ़ते वक्त करंट चला गया तो क्या नमाज तोड़ दें। और समझ में नहीं आया मेरे, करंट चला गया का क्या मतलब, करंट कैसे, करंट लग गया या करंट कहाँ चला गया, समझ में नहीं आया सवाल क्या है। गालिबन की मुराद शायद लाइट जाने के ताल्लुक से अगर है, क्योंकि लाइट जाने को भी शायद करंट चला गया बोलते होंगे। तो अगर ये कि नमाज की हालत में लाइट चली गई तो इस सूरत में नमाज तोड़ दें या नहीं। तो अगर नमाजी घर में तन्हा है और नमाज जाने से कोई उसको ज़ाती तौर से परेशानी वाली बात नहीं है तो नमाज को जारी रखा जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा। और अगर घर में ऐसा केस है कि बच्चा वगैरह छोटा साथ में है और ऐसी सिचुएशन है कि अगर लाइट गई तो कुछ अनहोनी होने का यानी उसकी जान का कुछ ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़ के लाइट का इंतज़ाम या फिर बच्चे की तरफ मुतवज्जे होया जाएगा। इसकी तफसील ऐसा समझे कि जैसे बच्चा गैलरी में या जीने के पास ऐसी जगह खेल रहा है कि इतना छोटा है कि नमाजी नमाज पढ़ तो रहा है लेकिन उजाला होने की वजह से बच्चे के गिरने का डर नहीं है, लेकिन लाइट जाने से उसके गिरने का खौफ है। या फिर बच्चा ऐसे सामान के पास खेल रहा है या करीब में है कि जैसे कोई गर्म चीज़ है या मतलब जलती हुई प्रेस है, अब लाइट जाने पर बच्चे अंधेरे की वजह से इधर उधर भागेगा या खौफ ज़्यादा होगा और इधर उधर भागने की वजह से ख़तरा है कि उसको नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज तोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है यानी बच्चा सो रहा है, डरने वगैरह की बात नहीं है, तो पर्सनली यानी इंडिविजुअली बंदे को नमाज तोड़ने की लाइट जाने से कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट चलेगी तो नमाज को पूरा किया जा सकता है, लेकिन जो सूरत पेश अगर आ जाए जान पे किसी के ख़तरे की तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे जनरली भी नमाज तोड़ी जा सकती है और लाइट जाने पे भी अगर इस तरीके का खौफ हो। और ऐसा भी कभी होता है कि जैसे बच्चा किसी दूसरे रूम में सो रहा है बेड वगैरह पे और लाइट भागने से अंधेरा हो गया और ये कहीं और नमाज में मशगूल है कोई भी शख्स, और बच्चा अगर उठेगा तो अंधेरे में भागेगा और बेड से यकीनन गिर जाएगा कि उसको समझ नहीं आएगा छोटे बच्चे को अंधेरे की वजह से कि वो बेड पर है या फर्श पर है, तो इस सूरत में भी जो है नमाज तोड़ने की गुंजाइश है। जबकि यकीन हो कि बच्चा उठ गया हो तब, अगर ये कि वो सो ही रहा है नमाज मुकम्मल हो जाएगी तो कर लेनी चाहिए। अगर बच्चा उठ के रो रहा है और गुमान है कि ये रोते रोते आगे बढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में नमाज को तोड़ा जा सकता है, या ऐसा ही मरीज़ के जो खौफ ज़्यादा हो जाए अंधेरे से या उसके गिरने वगैरह का अंदेशा हो तो।